अभी मैं आप लोग को एक चीज दिखाऊं, मेरे मोहल्ले में घुसने से पहले अगर कल थोड़ी सी और बारिश हुई होती, मतलब कल हल्की सी तो बारिश हुई है, अगर थोड़ी बारिश हुई होती तो ये जो रास्ता है ना, ये ऐसा बन जाता जैसे हम लोग ले में चल रहे होते। अगर वहाँ से कोई गाड़ी आ रही होती तो वो क्रॉस नहीं करती पहले, जब तक एक गाड़ी क्रॉस नहीं कर लेती, क्योंकि इतना ज़्यादा स्लश है कि गाड़ी जगह पे टिकती ही नहीं है। वहाँ अगर गाड़ी आपने खड़ी भी कर दी तो गाड़ी गिर जाती है, जो कि काफ़ी ज़्यादा वायरल हुई। दैनिक जागरण ने तो उस पर एक फ़ोटो लेके, हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसी है मेरी यूट्यूब की फैमिली, आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे एंड अपनी अपनी लाइफ में अच्छे ही कर रहे होंगे। तो अभी सुबह के बज रहे हैं 7:27 और मैं अपने छोटे भाई को छोड़ने आया था, तो मैंने सोचा अपनी एक वीडियो में अपना पूरा क्लियरिफिकेशन दे दूँ कि मैंने वो अपनी शॉर्ट्स कैसे बनाई थी और मैंने क्या सोच के बनाया था, जो कि काफ़ी ज़्यादा वायरल हुई। उसको ऑलमोस्ट 3 मिलियन व्यूज़ आ चुके हैं एंड उससे अपना सब्सक्राइबर अच्छा खासा बिल्ट हुआ है, और उस वीडियो को काफ़ी सारी लोगों ने यूज़ करा है अपने चैनल पे और अपने न्यूज़ चैनल पे। दैनिक जागरण ने तो उस पर एक फ़ोटो लेके उस पर पूरा न्यूज़ छाप दिया, मतलब पूरी की पूरी उस वीडियो के बेस पे न्यूज़ छाप दिया एंड कोई क्रेडिट नहीं दिया उन्होंने। बकायदा पूरी वीडियो मेरा एक एक डायलॉग वहाँ प्रिंट करा है और मुझे कोई क्रेडिट नहीं दिया गया, मतलब रिसोर्स बताया ही नहीं कि उनको ये कहाँ से पता पड़ा। एंड उनको खुद तो ये आधी बात पता है और उन्होंने पूरी न्यूज़ छाप दी, ये गलत बात है। पहले भाई, अगर कोई दैनिक जागरण से मेरी वीडियो देख रहा है तो पहले न्यूज़ के बारे में पता लगा लिया करो, और थोड़ा अपने एडिटर या जो भी है जिसने भी तुम्हें ये न्यूज़ दी है ना, उससे कह दो थोड़ा सही से देख के, और थोड़ा मतलब जो रियलिटी है वो करो ना, उसमें मसाला क्यों ऐड कर दिया भाई तुमने। तुम्हारा क्या जा रहा ना, मुझे क्रेडिट दिया और मसाला तुमने अलग से झोंक दिया उसमें। यार ये तो बहुत ज़्यादा दिमाग ख़राब हो गया मेरा वो न्यूज़ पढ़ के, और अच्छा भी लगा कि यार मेरी वीडियो वायरल हुई और सबने उसको उठाना शुरू कर दिया। और गलती मेरी ही थी कि मैंने अपने वीडियो में कोई भी अपना कॉपीराइट स्ट्राइक वाला वो मार्क नहीं डाला है, मतलब वाटर मार्क डाला होता तो ऐसी दिख जाता वो कि वीडियो किसकी है और कहां से उठाई गई है। तो अपन ये सब छोड़ते हैं, मैं बताता हूँ उस दिन हुआ क्या था। हुआ ये था कि मैं एक नॉर्मल मोटो ब्लॉग बनाने के लिए घर से निकला था एंड मैंने एक नॉर्मल सा मोटो ब्लॉग ही बनाया था जिसको मैंने अपलोड किया। बट ये पार्ट एज एन यूट्यूबर, एज ए मोटो ब्लॉगर, मुझे लगा कि हाँ वायरल जा सकती है, तो मैंने सिर्फ उतना पार्ट कट करा एंड एक शॉर्ट भी अपलोड कर दी। तो मैं ये शॉर्ट डिलीट करने वाला था, लेकिन देखो जो नसीब में होता है वो तो होना ही होता है। तो मैंने ये शॉर्ट किया डिलीट, लेकिन मेरी लॉन्ग मोटो ब्लॉग जो था वो डिलीट हो गया, ये शॉर्ट रुक गया। अब मैं कुछ दिन बाद, मतलब आप लोगों को तो पता ही है कि मैं थोड़े थोड़े दिन का ब्रेक लेके यूट्यूब पे वीडियो बनाता हूँ, तो मैंने सोचा चलो एक बार व्यूज़ चेकआउट करते हैं, और बहुत सारे कमेंट्स के नोटिफिकेशन आते हैं लेकिन मैंने म्यूट रखे हैं। तो मैंने देखा कि इस पर ऑलमोस्ट 80K व्यूज़ थे एंड समथिंग अराउंड 10K लाइक्स था, तो मुझे लगा ये वायरल जाएगा और अभी और वायरल जा सकता है अगर आप लोग और उसको ज़्यादा शेयर करेंगे। तो उस वीडियो में मैंने बस ऐसे, जैसे ये अंकल जा रहे हैं, इन्होंने हेलमेट नहीं पहना है तो मैंने पूछ लिया, बस इतना ही करा था मैंने, बाकी मेरा क्या कसूर। तो उन्होंने अपना जो भी बयान दिया आप वीडियो में खुद देख लीजिए एक बार। यूपी पुलिस, हेलमेटवा नहीं लगाए सर जी, हेलमेटवा नहीं लगाए, आप लोग नहीं लगाते हैं। अच्छा, देखिएगा कहीं चलान ना आ जाए। तो ऐसी छूट हम लोग को भी दिलाइए। तो क्या हो गया, फोटो पीछे से खींच ली गई। तो इसमें मेरा तो कोई वो है ही नहीं, मतलब ही नहीं है कि मैंने जानबूझ के ऐसा कुछ करा हो या एक्सपोज वीडियो बनाया हो, ऐसा मेरा कोई मतलब ही नहीं था भाई। अब कहते हैं ना, जब देता है भगवान तो उन्होंने मुझे एक अच्छा कंटेंट दिया और मैंने शूट करा और थोड़ा दिमाग लगा के अपलोड कर दिया, बस एक वाटर मार्क नहीं डाला जिसके चक्कर में बहुत सारे लोग उसका यूज़ करके अब अपना फ़ायदा ले रहे हैं, जैसे दैनिक जागरण। तो इतनी ज़्यादा वायरल हो रही है कि मुझे तो लग रहा है कि भैया इनके भी कॉल आएंगे कि भैया वीडियो डिलीट करो। तो ये वीडियो अब डिलीट नहीं होगी, सॉरी यार। ये बच्चा बैठा हुआ है आगे एंड
इनका दरवाज़ा सही से बंद नहीं है, हम बंद करवा देते हैं। बच्चा बैठा था इसलिए बता दिया, वैसे दरवाज़ा खुला रहता है तो बताने का फ़र्ज़ तो बनता है। सुबह सुबह निकले हैं, थोड़ा थोड़ा नेकी करा जाए और दरिया में डाला जाए। दरिया में क्या, मैं तो YouTube पे डाल रहा हूँ। अपने अभी करंट 9000 समथिंग सब्सक्राइबर हो चुके हैं और ऑलमोस्ट बहुत जल्दी हम लोग 10K क्रॉस करने वाले हैं। तो नेक्स्ट वीडियो जब आप देखेंगे तो हम उसमें कर रहे होंगे अपना 10K का सेलिब्रेशन विद अपनी फैमिली एंड आप लोग के साथ। तो आप लोग ये मत सोचना कि मैं आप लोग को भूल गया, मैं आप लोग के बिना तो कुछ नहीं हूँ ना, जो हूँ मैं आप लोग के सपोर्ट पे हूँ और ये 3 मिलियन से तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। एंड मैं होप कर रहा हूँ कि इससे ये 10 मिलियन चला जाए एंड चैनल थोड़ा मोनेटाइज हो जाए, क्योंकि अपना वॉच टाइम अभी भी 1000 आवर्स इनकम्प्लीट है। पता नहीं उसमें क्या ही होता भाई, उसमें उसकी कोई गलती नहीं है वॉच टाइम की, वो तो तभी आएगा जब मैं वीडियोस डालूंगा। और अपनी अभी तक लॉन्ग वीडियोस में बस गलगोटियास वाली वीडियो ही वायरल जाती हैं और मोडो ब्लॉग कुछ कुछ चले जाते हैं। तो अब देखते हैं शायद ये वाली थोड़ी सी और वायरल हो जाए, क्योंकि मैं इसमें फिर से वो पुलिस वालों का थंबनेल यूज़ कर रहा हूँ। यार रिएक्शन में कैसे लूँ, ये तो वाइड पे है। तो गाइस यही था शॉर्ट एंड सिंपल सा वीडियो, क्योंकि वीडियो डालना ज़रूरी है इसलिए मैंने ये शॉर्ट एंड सिंपल सा एक वीडियो बनाया। होप करता हूँ आपको अच्छा लगा, अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करना एंड चैनल बना हो तो सब्सक्राइब जरूर करना भाई। और फटाफट करा दो भाई 10K और हम लोग करेंगे 10K की पार्टी।